नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी में भर्ती कोरोना सस्पेक्टेड केस की शनिवार की सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। साथ ही पूरे वार्ड को सैनिटाइज कर वार्ड को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। इस संबंध में जिला चिकित्सालय के कोरोना प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि शहर के मोहद्दीपुर निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग 17 तारीख को ओपीडी में दिखाने आए थे। उन्हें बुखार, खांसी और सांस फूलने की दिक्कत थी। उन्हें भर्ती कर ट्रूनेट मशीन से कोरोना की जाँच की गई, जिसमें वह कोरोना सस्पेक्टेड मिले। इसकी पुष्टि के लिए आरटीपीसीआर की जाँच मेडिकल कॉलेज में कराई गई, जिसकी आज रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। इसके पश्चात उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। साथ ही इमरजेंसी वार्ड को सैनिटाइज कराकर उसे 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के कोरोना प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, शिव कुमार श्रीवास्तव जी, उम्र 60 साल हैं, ये मोहद्दीपुर के रहने वाले हैं। यह 17 तारीख को हमारे यहाँ जिला अस्पताल में ओपीडी के माध्यम से भर्ती हुए थे। इन्हें बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत थी। इन्हें हम लोग एडमिट करके ट्रूनेट के द्वारा कोरोना का परीक्षण करवाया, जिसमें इनका रिपोर्ट संदेहात्मक आया, जिसकी पुष्टि के लिए हम लोग आरटीपीसीआर की जांच बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजकर करवाए। आज सुबह वह जांच पॉजिटिव आई है, तो इन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज कोविड हॉस्पिटल में एम्बुलेंस द्वारा रेफर किया गया है। सर, इनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है? नहीं, ये सहजनवा गए थे अपने गांव। बस इनकी यही ट्रेवल हिस्ट्री है कि सहजनवा गए थे अपने गाँव और वहाँ से आने के बाद से इनसे सर्दी खांसी जुकाम शुरू हो गया था। सर, एहतियात के तौर पे वार्ड को किस तरह से? वार्ड को इनके जाने के बाद से हम लोग सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज के बाद से इस वार्ड को हम लोग 24-48 घंटे बंद रखेंगे, किसी बाहरी मरीजों का उसमें भर्ती नहीं करेंगे।